डिफरेंट और बड़ी जबरदस्त वैरायटी है। कॉटन में आपको मैं दिखाऊं जो आजकल ज्यादातर चल रहा है वो कुछ इस तरह के हल्के कलर हल्के डिजाइनिंग के साथ कपड़े होते हैं और थोड़ा सा शिमर भी होता है बट सेटल कलर के साथ ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। तो जरा लोगों से भी पूछेंगे कि उनकी इस दफा क्या टेस्ट है, वो किस तरह का कपड़ा पसंद कर रहे हैं और ज्यादातर उनकी चॉइस क्या है, शिफॉन है, जॉर्जेट है या कॉटन है। यहाँ पे कुछ लेडीज खरीदारी कर रही है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। ईद की खरीदारी हो रही है? ईद की खरीदारी हो रही है। प्राइसेस क्या मिल रहे हैं सर, कुछ हाई है या कम है? प्राइसेस नॉर्मल है। अच्छा, हमेशा रेडीमेड खरीदती हैं या टेलर को भी देती हैं कपड़े? अभी तो रेडीमेड ही लेती हूँ। रेडीमेड लेती हूँ, खास वजह रेडीमेड लेने से? टेलर लेते नहीं है ना, एंड में लेते नहीं है, तो फिर रेडीमेड सही रहता है। तो सिलाई वगैरह इसकी सही रहती है, कपड़ा वपड़ा सही रहता है? सब सही रहता है, यहीं से लेती हैं। अच्छा, पिछले साल आपको प्राइसेस ज्यादा सही लग रहे थे या इस साल भी वही प्राइसेस हैं या कम हुए या ज्यादा हुए? सही है, नॉर्मल है, नॉर्मल प्राइसेस हैं, कोई इतना वो नहीं, थोड़े बहुत डिफरेंस हुए होंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और ज्यादातर आजकल फैशन में क्या है, लॉन, कॉटन, शिफॉन, व्हाट? ज्यादातर तो लॉन है, लॉन सीजन है, बिकॉज ऑफ द सीजन। थैंक यू वेरी मच, आपने उनसे बात की, शुक्रिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लॉन भी लगी हुई है, कॉटन भी है और इस तरह की बहुत लंबी रेंज है, डिफरेंट वैरायटी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अच्छा, एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें यहाँ पे आपको जो रेडीमेड होते हैं उसमें आपको साइजेस बड़े अच्छे मिल जाते हैं, बच्चों के भी और मीडियम एंड लार्ज। कैसे हो आप? अच्छा, ईद की तैयारियां हो रही हैं। अच्छा, तो अम्मा ने क्या कहा है कि भाई कितने कपड़े खरीदने हैं और इससे ज्यादा नहीं खरीदने? मैक्सिमम तीन है। और रेंज क्या बनाई कि पर ड्रेस इतना होना चाहिए? 10 तक का पर ड्रेस, 10,000 तक का होना चाहिए। अच्छा, साथ साथ मुझे ये बताओ कि पिछली दफा तुम्हें प्राइस ज्यादा लग रहे थे, इस दफा लग रहे हैं? प्राइसेस का एक्चुअली मुझे पेमेंट करनी नहीं, मेरे फादर को करनी है, वो तो ठीक है, फिर भी एक होता ना कि हमारे कहा 10,000 तो मैं थोड़ा कम हो गया। काफी रीजनेबल ड्रेसेस हैं। अच्छा, रीजनेबल है और वैरायटी भी अच्छी मिल जाती है? वैरायटी मिल जाती है, ढूंढना पड़ेगा लेकिन हाँ, अच्छी वैरायटी अच्छी मिल जाती है। अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज और बताओ कि लोग ज्यादातर रेडीमेड के प्रेफरेंस की तरफ क्यों आ गए, व्हाई नॉट टेलर? नहीं नहीं, क्योंकि इसलिए आजकल क्योंकि पता नहीं कराची का इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कुछ भी, टेलर्स बहुत लेट कपड़े दे रहे हैं, इसलिए घूम फिर के हमें बुटीक में जाना पड़ता है जहाँ पे कन्वीनियंट होता है देने के लिए, फिर बहुत इजीली यहाँ पे रेडीमेड मिल जाते हैं। रेडीमेड ले लेना चाहिए, तो सबसे आसानी है कि रेडीमेड ले लो और जान छूट जाती है। आप भी रेडीमेड पे ही जाती हैं? जी, रेडीमेड पे ही जाती है। अच्छा, ये बताएं कि पिछली दफा प्राइसेस ज्यादा थे या इस दफा ज्यादा है? नहीं नहीं, वो चेंज तो फर्क पड़ता रहता है। हाँ, फर्क पड़ा है। हाँ। तो टेलर के पास जाने में और यहाँ रेडीमेड खरीदने में आपको कुछ डिफरेंस नजर आता है? बस यही जो इन्होंने कहा कि वो उस पर ज्यादा मसला ही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी हाँ। नहीं है, तो फिर ये उनके डिजाइन और कट्स वो तो वो टेलर नहीं कर सकता, वो कोई प्रोफेशनल ही हो तभी होगा, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। कैसा चल रहा है आजकल, कैसा कस्टमर आ रहा है आप लोगों के पास? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा रिस्पांस है, कस्टमर्स का काफी अच्छा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा जा रहा है। अच्छा सर, पिछले साल क्या लोगों की ज्यादा शिकायत थी कि महंगे हैं ड्रेसेस, या इस साल लोग ज्यादा आपसे कहते हैं? कस्टमर्स की तो बात मिली जुली होती है सारी, वो यही कहते हैं कि मोस्टली तो यही कह रहे हैं कि ज्यादातर महंगे सूट्स हैं हमारे यहाँ, महंगे सूट्स हैं वो, बिकॉज ऑफ आपको मानो में महंगाई इतनी हो गई है और गवर्नमेंट लेवल पे इतनी सारी महंगाई हो गई, तो इस वजह से हम लोग जो है करना पड़ता है सारी। अच्छा बताए, कोई अगर आगे कहे कि सर 150 कोई 200 कम कर दें, तो कोई इस तरह का करते हैं या कर देते हैं? डिस्काउंट कर देते हैं। और चांदरात तो खास आप लोग लगाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको मैं बताऊं, लेडीज आई हुई हैं और कपड़े अपनी खरीदारियां ईद की तो कर ही रही हैं, जरा उनसे पता कर लेते हैं कि इस दफा उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं? हाँ, शुरू हो गई हैं। शुरू हो गई हैं। अच्छा, किस रेंज तक के कपड़े खरीदे जा रहे हैं इस दफा? किस रेंज तक, वो तो अभी हम आए मार्केट विजिट करेंगे, देन अंदाजा होगा फिर उसी साथ। रेडीमेड की तरफ क्यों जाते हो, टेलर वेलर को छोड़ दिया, भूल गए? टेलर वेलर एक तो कपड़े लेते ही नहीं है, ऊपर अच्छा। से उनकी स्टिचिंग इतनी अच्छी नहीं होती, ना इतना टाइम होता है, ना इतना टाइम होता है, तो ये कि रेडीमेड में होता है, भी होता है, डिजाइन भी मिलता है, हम लोग ऐसे ले लेते हैं। अच्छा बताओ, पिछले साल थोड़ी महंगाई लग रही थी तुमको, इस दफा कपड़े देख के या अम्मा को कहा कि बस महंगा और सस्ता, मुझे तो लेने से मतलब है? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कोई बढ़ती अम्मा की बजट, अम्मा का पर्स देखा है? अम्मा का पर्स बाद में देखेंगे, पहले ये चीज तो पसंद है। हाँ चलो फिर अम्मा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसी हैं? ये बच्चे तो सारी माशाल्लाह जेब खाली करवाने के लिए निकलते हैं घर से, तो इस दफा कितना बजट पर बर्डन पड़ रहा है आपके? बजट तो बहुत बढ़ गया है बेटा, बढ़ गया है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अपने रेंज के हिसाब से ही फिर लेना पड़ता है अपनी रेंज हाँ, के हिसाब से। लेकिन ये है कि स्टिच किए हुए मेरा अपना ख्याल है कि हमें ज्यादा बेहतर पड़ रहे हैं। ये कपड़ों के ऊपर क्या इस दफा ज्यादा आपको लग रहा है कि इन्होंने कुछ प्राइसेस बढ़ाए हैं ऊपर नीचे? बिल्कुल बढ़ाए हैं।
پرائسز تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں بجائے کم ہونے کے پرائسز بڑھتے ہی جا رہے ہیں لیکن لینا بھی ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ آپ نے ہم سے بات کی, شکریہ. اور یہاں پہ ہم نے آپ کو دکھا دیے ہیں ڈریسز, یہ دیکھیے ریڈ میں بڑا اچھا ہے, جو آج کل ینگ گرلز ہیں وہ بڑے آرام سے پہن سکتی ہیں. گرین, ریڈ اینڈ آپ کو اس میں شاکنگ پنک میں بھی دکھائی دے رہا ہے, بلوز میں ہے, مرون میں ہے, اس کے ساتھ ڈفرنٹ اور بہت لائٹ کلرز میں. اگر آپ کاٹن دیکھنا چاہتے ہیں تو کاٹن میں وائٹ اینڈ بلیک کمبینیشن کے ساتھ, ریڈ اینڈ وائٹ, ریڈ اینڈ آف وائٹ کے ساتھ, گرین اینڈ بلو کمبینیشن, آف وائٹ اینڈ بیج, اور اس طرح کے اور ڈفرنٹ لائٹ کلرز میں بھی آپ کو. اچھا, وہ کرتے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہاں پہ بھی آپ کو اس کی رینج نظر آئے گی. یہ سمپل پلین کرتاز ہیں جو آپ خرید سکتے ہیں. اس طرح کا بھی آج کل بہت زیادہ ڈریس جو ہے وہ ان ہے. تھوڑا سا کام کے ساتھ اگر میں دکھاؤں آپ کو, ہلکی سی دیکھیں آپ اوپر, انہوں نے یہ تھوڑا سا بنایا ہوا ہے اور جیسے لگے نا, اور ساتھ اس کا برانگ شرٹ ہے. سو یہ بھی کافی ان ہے, اس میں کلرز وغیرہ بھی موجود ہیں. یہاں پہ بھی آپ کو دکھا کے آئیے, ذرا آگے چلتے ہیں اور آگے بھی پتا کرتے ہیں کہ کیا پرائسز ہیں اور کس طرح کی رینج ہمیں ملے. السلام علیکم, کیا خریدا ہے؟ ہم لوگوں نے شاپنگ کی ہے, عید کی کچھ ڈریسز شاپنگ کی ہے. ریڈی میڈ خریدا ہے؟ جی بالکل ریڈی میڈ خریدا ہے. کیوں ریڈی میڈ خریدنے کی کوئی خاص وجہ؟ ریڈی میڈ اس لیے کیونکہ ابھی تو ظاہر سا سرفر ہے اور ٹیلرز نہیں لے رہے ہیں کپڑے. اچھا, نہیں لے رہے. ریڈی میڈ میں یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے جو آپ اپنا سائز کا, اپنی امبرائڈری چاہیے آپ کو تھوڑی بہت, سب مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پرائسز کیا مل رہے ہیں آج کل؟ یہاں پہ لکھا ہوا فکس پرائسز, نو ایکسچینج, سو یہ ساری اتنی ساری ٹرم اینڈ کنڈیشن کے ساتھ بھی لے لیتے ہو؟ ظاہر ہے لے لیتے ہو. اچھا, کپڑا کیسا ہوتا ہے ریڈی میڈ؟ اچھا ہے, کچھ مٹیریل اچھے ہوتے ہیں, کچھ اگر امبرائڈری اچھی نہیں ہوتی تو کپڑا اچھا نہیں ہوتا. تو پچھلی دفعہ کیا بجٹ رکھا تھا, اس دفعہ کیا بجٹ رکھا ہے؟ 3000 تک کا ہے یا اس سے نیچے نیچے کی رینج کے کپڑے خریدے؟ اس دفعہ ہم نے جیبیں خالی کروا دی ہیں. 11000 کی شاپنگ کی ہے, 11000 کی شاپنگ کی ہے, ماشاء اللہ سے. چلو, ہماری طرف سے آپ کو ان ایڈوانس عید مبارک. تھینک یو. بہت سارے لوگوں سے بات کر کے اندازہ یہ ہوا کہ اس سال عید پر مہنگائی یقینی طور پر زیادہ ہے اور ایک عام آدمی کی قوت خرید یقینی طور پر بہت حد تک کم ہو گئی ہے. صورتحال واقعی اسی طرح کی ہے, مہنگائی اپنے آپ بڑھتی جا رہی ہے اور اس سب کی ذمہ داری یقینی طور پر حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے. لیکن جب بات عید اور تہواروں کی ہو تو ہم یہ بات نہیں بھول سکتے کہ ہمیں انہیں منانا بھی ہے اور پرجوش انداز سے منانا ہے. سو پھر اگر پیسے چند پیسے زیادہ جاتے ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے, لیکن کوالٹی اچھی ہونی چاہیے اور عید بھرپور ہونی چاہیے. اگر پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان سنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اس دعا کے ساتھ کہ جان رہیے, خوش رہیے. اللہ حافظ.